अंतिम कड़ी में जो व्यक्ति बैठा है उस तक किस प्रकार से वो सुविधा पहुंच रही है, उन सारी बातों का संकल्प आज आपके बीच में दोहराया जा रहा है। जिला जींद का ये आगाज करने वाला ये कार्यक्रम आपके मध्य में हो रहा है। जैसा कि लिजवाड़ा की जो धरती है ये वीरों की धरती है, रणबांकुरों की धरती है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई वो हस्तियां जो हुई जो दबाने वाली थी उनको नेस्तनाबूद करने की जो पावर है वो लिजवाड़ा की धरती में है। तो इस प्रकार से कार्यक्रम को जो चयन किया गया पूरे दिन जिले का जो लॉन्चिंग कार्यक्रम है संकल्प यात्रा, और वो संकल्प किसका, भारत को विकसित बनाने का। और भारत के जो संदर्भ में बात आती है और वो संदर्भ में बात यही रहेगी कि हम सब भारत के लोग, जब आप 26 तारीख को प्रस्तावना पढ़ रहे थे संविधान की, उसमें यही था कि हम भारत के लोग, मैं भारत का लोग नहीं हो सकता, हम सभी, हमसे ही भारत बना है और भारत को विकसित बनाने में हम सभी का एक एक नागरिक 140 करोड़ पूरा देशवासी जोड़े, बच्चे जोड़े, बुजुर्ग जोड़े, महिलाएं जोड़े, नौजवान जोड़े, सभी वर्गों के लोग जुड़े और उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न सब मिलकर करेंगे तो भारत आने वाले कल में दुनिया में श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित हो सकेगा। आज खुशी से प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये क्षेत्र है और लगभग 3000 इस देश के प्रधानमंत्री जी ने ये यात्रा प्रारंभ करकर लोगों को सारी खूबियां बताने का काम किया जिससे इस यात्रा से लोगों को फायदा मिलेगा। वहीं विकसित भारत जन सम्मान संकल्प यात्रा का शुभारंभ भी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने गत 15 नवंबर 2023 को आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र झारखंड के खूंटी से प्रारंभ किया। हरियाणा में 29 नवंबर 2023 को इस यात्रा का शुभारंभ होना है और आज 30 तारीख को इसको इस गांव को प्रारंभ किया गया है। विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रव्यापी आउटरीच पहल है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों के बारे में बताना है। हरियाणा में इस यात्रा के दौरान प्रदेश भर में 57 रथ चलाए जा रहे हैं जो एक दिन में कम से कम 2 गांव को कवर करेगी। यह यात्रा 25 जनवरी 2024 तक प्रदेश के प्रत्येक गांव में होकर गुजरेगी और सभी गांव वासियों को इस यात्रा से जो लाभ मिलेगा उनके बारे में आप देख रहे हैं कि किसी प्रकार से स्टार लगाए गए हैं ताकि सभी को हरियाणा और सेंट्रल सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के समावेशी विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण, युवाओं के उत्थान और अंत्योदय को हासिल करने के लिए एक अनूठी स्कीमें जो शुरुआत की है वो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। आईटी के बड़े पैमाने का प्रयोग करते हुए व्यवस्था परिवर्तन का काम किया गया है जिसमें भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, अक्षेत्रवाद पर अंकुश लगाया है। वही परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकारी सेवाओं में योजनाओं को ऑनलाइन करने का काम भी इस सरकार ने घर घर द्वारा घर घर पर यह लाभ पहुंचाने का काम किया है। पहले इन परिवारों में बीपीएल में शामिल किया गया था जिनकी वार्षिक आय 1,20,000 रुपए से कम थी। सरकार ने यह आय बढ़ाकर 1,80,000 रुपए वार्षिक कर दिए। इसमें 20 लाख नए परिवार बीपीएल में आ गए और प्रदेश में 42 लाख उन परिवारों को ऑनलाइन बीपीएल राशन कार्ड भी दिए गए जिससे जिनकी आय 1,80,000 रुपए तक की है। वही गरीब लोगों को धन के अभाव में उपचार से वंचित है उनकी आयुष्मान वह भारत चिरायु योजना चलाई जा रही है जिसमें स्वच्छ परिवार को 5 लाख रुपए तक सालाना मुफ्त इलाज करने की सुविधा रहेगी। अब तक कुल 87 लाख आयुष्मान भारत चिरायु कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस योजना में प्रदेश 8,50,000 मरीजों के इलाज के लिए 1,088 करोड़ रुपए का फायदा ले चुके हैं। अब इस योजना में वार्षिक आय की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। इसमें 8 लाख और परिवार कवर हो जाएंगे। इन परिवारों का स्वास्थ्य बीमा के रूप में 1500 रुपए वार्षिक जमा करवाने होंगे। सब तो स्वास्थ्य रखने के लिए दिशा में एक अन्य पहल भी होगी हरियाणा योजना के रूप में कही गई है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के संपूर्ण जनसंख्या का 2 साल में कम से कम 1 बार संपूर्ण स्वास्थ्य जांच कराना है।